What's the story, lads? और क्या दाव? Welcome to the new vlog. This is Rover. ये vlog बहुत देर बाद आ रहा है यार. I think 2 हफ्ते हो गए हैं. यार vlog डालने का time ही नहीं मिला. As you know, we have a new baby at home. तो उसके साथ life बहुत busy हो चुकी है. Especially with 2 kids, busy हो गए यार ना. तो आज के vlog में भाई बात करते हैं maternity service के बारे में. जैसे मैंने आपको last के vlog में बताया था ना. तो maternity services कैसे operate होती हैं island में, ठीक है? ये व्लॉग खासकर उन उनके लिए है कि कोई भी अपना बंदा इंडिया पाकिस्तान से कहीं से भी अगर वो आयरलैंड आने की सोच रहा है और वो प्रेगनेंसी प्लान कर चुका है या यहाँ पे आके करने की सोच रहा है, तो कैसे कैसे ऑपरेट होती है, क्या जीपी से लेके डॉक्टर से लेके हॉस्पिटल तक क्या कुछ होता है इसमें, ठीक है? और ये सर्विसेज क्या पेड है कि फ्री है, तो इसी के बारे में आज के व्लॉग में बात करेंगे कि मटर्निटी सर्विस कैसे ऑपरेट होती हैं आयरलैंड में. तो भाई कोई भी अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो फिर करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत. हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार जो मटर्निटी सर्विसेज हैं आयरलैंड में कि वो पेड है, क्या उनके पैसे देने पड़ते हैं कि वो एकदम फ्री है. तो भाई जो मटर्निटी सर्विस है आयरलैंड में, जो भी मटर्निटी सर्विस लेता है वो एकदम फ्री है भाई, एकदम फ्री है. उसके कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, सारा कुछ गवर्नमेंट अपने आप पे करती है आयरलैंड की. तो मटर्निटी सर्विसेज इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन. तो अगर आप बेबी प्लान करने का सोच रहे हो, प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रहे हो आयरलैंड में, तो सबके लिए वो फ्री है भाई ना. और अगर कोई भी इंडिया से अपनी कंट्री से ऑलरेडी प्रेगनेंसी प्लान करते हुए आ रहा है तो यहाँ पे आके उसको कोई भी पैसा पे नहीं करना है. अगर जो बंदे यहाँ रहते हैं एटलीस्ट आई थिंक उनको पता ही होगा यार कि पूरे जो मटर्निटी सर्विस है आयरलैंड में एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन. मतलब जीपी कॉस्ट से लेके, जीपी यहाँ बोलते हैं अपने फैमिली डॉक्टर को, जो भी आपका डॉक्टर है, जीपी से लेके हॉस्पिटल तक जो भी जितना भी सारा उनका स्कैनिंग वगैरह होती है, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो भी व्हाटएवर कुछ भी होता है इसमें, सब कुछ फ्री है. सब कुछ जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लुक आफ्टर करती है मटर्निटी सर्विस में. तो मटर्निटी सर्विस के साथ साथ जब आप अपने बेबी को घर लेके आते हो, ठीक है, उसके बाद आपको नर्स दी जाती है आई थिंक फॉर 6 मंथ्स के आसपास, कि आपको एवरी मंथ के विजिट आपको आपके घर आके वो नर्स करती है, वो चेकअप करती है आपका बेबी कैसे, हाउ इज द मॉम, कैसे अगर उनका अपना सी सेक्शन हुआ तो कैसे रिकवरी हो रही है कि नहीं अपनी मदर की. तो सब कुछ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री. तो अब बात करते हैं कि ये सफर शुरू कैसे होता है. तो जब भी आपको लगता है कि यू आर प्रेग्नेंट, ठीक है, तो आप अपने जीपी के साथ अपॉइंटमेंट लो. यहाँ पे जो भी आपका फैमिली जीपी है वहां पे जाओ, अपॉइंटमेंट लो, जीपी आपका टेस्ट करेगा एंड वेरी कंग्रेचुलेशंस इफ यू आर प्रेग्नेंट. तो वहां पे अगर उसको पता लग गया कि द टेस्ट इज पॉजिटिव तो आपसे वो पूछेगा कि कौन से हॉस्पिटल में आपको जाना. अगर आप डबलिन में रहते हो तो डबलिन में 2 ही मेन हॉस्पिटल है यार जहाँ पे लोग ज्यादा जाते हैं, एक है रटोंडा हॉस्पिटल और एक है नेशनल मटर्निटी हॉस्पिटल. तो यहाँ पे वो आपसे, आपका जीपी है वो पूछेगा कि आपने कौन सा हॉस्पिटल चूज करना है. आप तो आप उसको बताइएगा कि ये हॉस्पिटल में मैंने जाना है. उसके बाद वहां से आपका सफर शुरू होता है एंड इज टोटली फ्री. और उसके बाद जीपी जो रेफरेंस लेटर एक बना के ना, रेफर लेटर बना के जौन सा भी आपने हॉस्पिटल चूज करा है वो उसको ऑटोमेटिकली भेज देता है. और जब आपका जो लेटर है, जीपी का रेफर लेटर है, वो आपके हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पे आपने चूज करनी है अपनी मटर्निटी, वहां से आपको फिर अपॉइंटमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं. 3 मंथ्स 6 मंथ्स 9 मंथ्स फिर स्कैनिंग, ये वो, मतलब सब कुछ फिर आपको हॉस्पिटल से ही आता है जो कोई भी आपने जो भी हॉस्पिटल चूज करा है. और कई मदर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज वगैरह भी हो जाती हैं, तो वो भी फिर उनका थोड़ा ज़्यादा वो रूटीन चेकअप करते हैं कि दे वांट द बेबी एंड द मदर टू बी हेल्थी. तो आपको अपॉइंटमेंट्स थोड़ी ज़्यादा आने लगती हैं. अगर आपकी प्रेगनेंसी एकदम नाइस एंड स्मूथ है तो वही जो आपकी रेगुलर अपॉइंटमेंट्स होती हैं एवरी 8 वीक्स और 6 वीक्स. अगर आप जितनी क्लोजर आप अपनी ड्यू डेट पे आते हो ना, उतनी ज़्यादा अपॉइंटमेंटें आपको दी जाती हैं, जो लास्ट वाला 2-3 महीने होते हैं ना. तो दीज सर्विसेज आर एब्सोल्युटली फ्री. देन जब आपकी ड्यू डेट पास में आती है एंड वेरी कंग्रेचुलेशन, जब आपका बेबी आपके हाथों में होता है तो उस टाइम तो
वो आपका, वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपने कोई नाम सोचा हुआ है। अगर आपने कोई नाम सोचा हुआ तो आपको वहां पे ही देना पड़ता नाम, इधर इज अ बॉय और गर्ल, ठीक है। अगर आपने नाम नहीं सोचा हुआ बाय चांस इन केस ना, तो वो नाम नहीं लिखते हैं बेबी का, और आपको 20 दिन देते हैं। मतलब 20 दिन के बाद आप अपने बेबी का नाम रजिस्टर करा सकते हो, मतलब उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन सकता है। 20 दिन आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपका बेबी हॉस्पिटल में बॉर्न हुआ है आयरलैंड में। तो 20 दिन के बाद अगर आपने नाम डिसाइड कर लिया है, तो ऑनलाइन आपको बर्थ रजिस्टर कराना पड़ता है। आजकल पहले होता था वॉक इन से आके, अब है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। 20 दिन के बाद ही आप वो अपॉइंटमेंट ले सकते हो बर्थ रजिस्टर डॉट आई थिंक बर्थ रजिस्टर आयरलैंड पे जाके। अगर आप गूगल करोगे तो वहाँ पे सब कुछ आ जाएगा कि हाउ टू रजिस्टर योर बर्थ इन आयरलैंड। तो आपको 20 दिन के बाद अपॉइंटमेंट लो, नाम फाइनल करो, एंड यू कैन हैव योर बर्थ सर्टिफिकेट बाय देन। और यहाँ पे एक खास बात है, जब आपने अपने बच्चे का बर्थ रजिस्टर करवाना है ना, तो मेक श्योर मदर और फादर के पास यहाँ का PPS नंबर हो। PPS नंबर जरूर हो, वो ही मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका JNIP कार्ड हो, अगर वो यूरोपियन नेशनल नहीं है या वो आयरिश नेशनल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उनका एक ID उनके साथ हो जरूर। और मदर और फादर अगर आयरलैंड में अगर उनकी आयरलैंड में शादी हुई है तो ठीक है, अगर आयरलैंड से बाहर शादी हुई है, जैसे अपने इंडिया में कहीं या किसी और कंट्री में, तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, मेक श्योर कि वो जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, वो तभी एक्सेप्टेड होगा। और जो भी बंदे इंडिया या पाकिस्तान कहीं से भी आ रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी प्रेगनेंसी प्लान कर चुके हैं, यहाँ पे आके उन्होंने रजिस्टर कराना अपने आप को, वो आराम से रजिस्टर अपना हो जाएंगे। मेक श्योर कि सबसे पहले आके आप अपना PPS नंबर जरूर बनवाएं, क्योंकि PPS नंबर के बाद ही जब आपका जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा वो सब कुछ होगा। तो मेक श्योर करें कि पहले कोई भी अगर किसी और कंट्री से आ रहा है ना, तो मेक श्योर करें वीज़ा बनवाएं, पहले अपना आके वीज़ा एक्सटेंड कराएं, उसके बाद अपना PPS नंबर जरूर बनवाएं, फिर अपना जो आपका GP है और हॉस्पिटल है वहाँ पे आप ऐसे रजिस्टर हो सकते हैं। और अगर आपके पास आयरलैंड में हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो उसका भी काफ़ी फायदेमंद होता है मटर्निटी सर्विस में। वो वहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी डिलीवरी हो गई, ठीक है, वहाँ वो फिर आपको जनरल वार्ड में नहीं शिफ्ट करेंगे, आपको सीधा आपका प्राइवेट रूम दिया जाएगा, अगर आपके पास अपनी खुद की हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस है आयरलैंड में। तो ये भाई लोग आज का व्लॉग अबाउट मटर्निटी सर्विसेज इन आयरलैंड। आई थिंक आपको पता लग गया होगा, अगर कोई भी न्यू पेरेंट या न्यू मदर आयरलैंड में आने की सोच रही है या ऑलरेडी यहाँ पे वो रहते हैं, अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं, तो ऐसे ऐसे ऑपरेट होता है यहाँ पे मटर्निटी सर्विस, जो भी आपकी प्रेगनेंसी है आयरलैंड में। आई होप आपको आज का व्लॉग बढ़िया लगा होगा। मैं ऐसे ही आयरलैंड के जो इंफॉर्मेशन व्लॉग्स वगैरह यार डालता रहता हूँ, तो अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी मेरे से पूछना है आपने, तो मेरे इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे मुझे कमेंट करें, आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, एंड डू टेक केयर। आपको मिलता हूँ जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।